VFS सेंटर कद तक खुलणगे और VFS सेंटर अगर देरी नाल भी खुलते हैं तो की विद्यार्थियों को फाइल्स अप्लाई करते रहना चाहिए कि हुण 15 मई तो बाद 31 जुलाई तक फाइल अप्लाई करन दे विच भी विद्यार्थियों का फायदा है, किस रूप से फायदा है, ये भी सवाल जसमीत जी के नाल करांगे। और PPR नू लैके बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन च कन्फ्यूजन है कि अगर साडा PPR एक्सपायर तो नहीं होएगा, ये भी क्लैरिटी है जी जसमीत जी तो लवेंगे। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जसमीत जी, ये सारिया क्लैरिटियां चाहिए ने, एक एक तो शुरू कर दें। पहला तो PPR से क्लैरिटी मैं चाहूँगा। PPR आ बहुत रहे हैं पर स्टूडेंट डर रहे हैं भी कि PPR एक्सपायर तो नहीं हो जाएंगे। सो बेसिकली जी चीज़ हैगी मतलब जी रोज़ अपने लाइफ से डिस्कस कर चुके हैं कि PPR नहीं एक्सपायर होंगे। सी आ जड़िया छोटिया छोटिया गल्लां होंदियां कि PPR एक्सपायर नहीं होंगे, बायोमैट्रिक लैटर्स एक्सपायर नहीं होंगे। मैं पहला ही स्टूडेंट्स को दस चुका सी कि एक्सपायर नहीं होंगे, पर फिर भी जो उन्होंने फॉरमलाइज करन दी गल करिए तां ऑलरेडी कल IRCC ने ट्वीट करता सी, अपने फेसबुक पेज पर पाता सी कि साडे जिहड़े PPRs है दे विल रिमेन वैलिड अंटिल द नॉर्मल ऑपरेशन इज ओपन। सो स्टूडेंट्स जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती तो उस तो बाद की कहते हैं कोई भी PPR एक्सपायर नहीं होएगा। सो जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है तो कोई भी PPR एक्सपायर नहीं होएगा, ना ही कोई बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लैटर एक्सपायर होएगी, ना ही अज की रेट से कोई पेमेंट लिंक आने नवे क्योंकि VFS इज क्लोज्ड। सो पेमेंट लिंक बाद आने जो VFS ओपन हो जाएगा। सो भावें ये ऑफिशियली हाई कमीशन ने बाद च दसी, मैं स्टूडेंट्स नू पहला दस चुकिया सी। और स्टूडेंट्स ये चीज़ा जी बड़े छोटे छोटिया चीज़ा सी, जिन्हों कही कि असी कही कि बड़िया कॉमन सेंस वाली चीज़ा है, क्योंकि जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट हाई कमीशन ने दी हैगी है तो दोबारा तुहाडी पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आएगी क्योंकि दोबारा असैसमेंट नहीं होएगी। बायोमैट्रिक लैटर आई है, पिछली बार भी इदा ही होया सी, जो तुहानू एक बार बायोमैट्रिक लैटर आ गई चाहे वह 90 दिन लई वैलिड है या उस तो ज़्यादा भी एक्सटेंड हो जाता टाइम तो दैट इज़ वैलिड। तुसीं दोबारा उस बायोमैट्रिक लैटर से अपनी फिंगरप्रिंट की अपॉइंटमेंट लै सकोगे। सो इन सारिया जड़िया जड़िया बड़िया माइन्यूट चीज़ा होंगे ना, कई बार स्टूडेंट इन चीज़ों लैके बड़ा डिप्रैशन चले जाता कि सर मेरी PPR आ गई, हूँ 30 दिन पासपोर्ट स्टैंप नहीं हो पाना, मेरी असैसमेंट दोबारा होएगी। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट आल। तुहानू पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है, यानी तुहाडा फाइनल वीज़ा अप्रूव हो चुका है। यू शुड रजिस्टर फॉर योर ऑनलाइन क्लासिज एंड यू शुड स्टडी इफ यू वॉन्ट टू गो टू कैनेडा बिटवीन मई टू सपटेंबर। सो जो भी फ्लाइट्स ओपन होंगे 22 मई नूं होंदियां या उस तो बाद होंदियां, जे तुसी ऑनलाइन क्लासां लगा रहे हो दैन यू विल बी एबल टू ट्रैवल टू कैनेडा। बिल्कुल ठीक है जी, ये सारिया स्थितियां ने जिहड़ियां स्पष्ट होणगियां। जसमीत जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं ये लगता है कि VFS सेंटर तो बंद ने, हुण फाइल अप्लाई करन दा की फायदा, इहदा आपस च जिहड़ा संबंध है वो थोड़ा जिहा मैं चाहूँगा कि विद्यार्थियों नूं क्लैरिटी आवे कि वो फाइल क्यों लॉज करते रहन, तो 15 मई की डेडलाइन तो बाद 31 जुलाई तक अप्लाई करन दा किस रूप च फायदा स्टूडेंट्स नूं। सी देखो जिहड़ा टेंटेटिव टाइम हैगा सी, जिहड़ा टेंटेटिव टाइम हुंदा जिवें असीं पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन दे हिसाब नाल देखिए तां सपटेंबर इनटेक दीआं फाइलां 31 जुलाई 5 अगस्त तक असीं लॉज करदे सी और उहनां ते रिजल्ट्स आउंदे सी। कईआं च रिजल्ट एक दिन च आउंदा, हफ्ते च आउंदा, 10 दिन च आउंदा। जे अज दी डेट च वी असीं जे हाई कमीशन दी साइट ते जाइए जिहड़ा टाइम हैगा उह 10 हफ्ते दिखा रिहा। सो जो असी फाइल लॉज करते हैं तो प्रोसैसिंग टाइम इज़ 10 वीक्स जे तुहाडे बायोमैट्रिक्स हो जाते हैं। सो 2.5 महीने का टाइम दिखा रहा है जे तुहाडे बायोमैट्रिक्स हो जाते हैं। सो जो हुण देखने को मिले मई इनटेक दी फाइलों, कुछ फाइलों असी मार्च लॉज कीतियां और उन्होंने वीज़ा भी स्टैंप होकर आ गए अप्रैल च। सो नॉर्मल प्रोसैसिंग वांगू जिहड़ी प्रोसैसिंग अज दी रेट च कैनेडा की चल रही है, वी कैन नॉट जज कि फाइल ते वीज़ा कदों आ रहा है। बट जे असी प्रोसैस की गल करिए वी शुड नॉट होल्ड आर प्रोसैस। जे तुसी फीस पे की हुई है, GIC पे किया होया, अपनी फाइल लॉज करो। जे तुसी अज नवीं फाइल लॉज करन दी गल कर रहे हो या तुसी अज नवा प्रोसैस स्टार्ट करन दी गल कर रहे हो तो अपना प्रोसैस जिहड़ा हैगा उह स्टार्ट रखो, क्योंकि तुसी अज अपनी फाइल सपोज अज ऑफर लैटर अप्लाई करते हो, कुछ कॉलेज 2 दिन च ऑफर लैटर देंदे हैं, कुछ कॉलेज 2 महीने च ऑफर लैटर देंदे हैं, कुछ कॉलेज उस तो बाद भी ऑफर लैटर देंदे हैं। सो तुसी अपना प्रोसैस स्टार्ट रखो, तुसी अपना नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब नाल ऑफर लैटर अप्लाई करो, कॉलेज की फीस भरो, GIC भरो, अपनी फाइल तैयार करो, SOP पढ़ो, अपने एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ो, फैमिली इनफॉर्मेशन फॉर्म पढ़ो, अपनी फाइल से की डॉक्यूमेंट लगने हैं वो तैयार करो और अपनी फाइल लॉन्च करो। जिन्हों कही कि जे असी कहेंगे कि जिन्ना डिले करांगे, सो आ समा इदा है मई जून का समा इदा का मैं लग रहा है कि जिहड़े स्टूडेंट नवीं फाइलों लाना चाहते हैं जे नहीं ला पाए तो सपटेंबर भी मिस होएगा, जनवरी 22 भी मिस हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉलेज दी जनवरी 22 दीआं सीटां भी खत्म होने लग गई।
बहुत इंपॉर्टेंट गल है जी। सो तुसी ये गलती नहीं करनी कि तुसी डिले करो बिना मतलब तो उदे नाल नैक्सट इनटेक मिस होने के खतरे भी बढ़ सकते हैं। जसमीत जी, जहन च स्टूडेंट्स के सवाल ये है जो स्थितियां ने सितंबर इनटेक कॉलेजेस ने तो कहता सी कि ऑफलाइन होएगा, तुहाडी प्रेडिक्शन की है? क्योंकि तुहाडी कही गल दे उत्ते मैं बहुत भरोसा करदा, पिछले समय च भी तुसी जो जो गल्लां कहियां लगभग उस तरह दी स्थितियां सी देखियां। सी देखो, कैनेडा च जे असी ब्रिटिश कोलंबिया की गल करिए तां जिहड़े छोटे बच्चे हैगे आ उन्हां दे भी स्कूल लग रहे ने ब्रिटिश कोलंबिया च। मई इनटेक दे भी कुछ कॉलेजेस ने ऑप्शनल रख्या होया कि जे तुसी पढ़ना चाहते हो तां तुसी अपने कॉलेज आके पढ़ सकते हो। सी मई इनटेक दियां भी क्लासां लग रही ऑप्शनल बेसिस ते। सो सितंबर इनटेक बहुत सारे कॉलेजेस ऑलरेडी अनाउंस कर चुके सी इट विल बी ऑफलाइन, बट जो सिचुएशन इंडिया की चल रही है उन्होंने देखद्या होया मैं लगता है कुछ कॉलेजेस पिछे हट जाएंगे ऑफलाइन मॉड्यूल तो। कुछ कॉलेजेस कहेंगे वी विल गो इन अ हाइब्रिड मैनर, मतलब कि जेडे कोर्सेज की की कहने क्लासिज की कहने लैब रिक्वायरमेंट हैगी है उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। बट ये जरा सवा साल के दौरान काफ़ी सारे कॉलेजेस ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कोविड दियाँ गाइडलाइनस के नाल तैयार कर लिया, मतलब कि शील्ड्स हर सीट के उत्ते डिफरेंस हैगा, डिस्टेंस हैगा, हर क्लासरूम के बाहर सैनिटाइजरस हैगे हैं, मास्क की रिक्वायरमेंट हैगी है। सो मैं लगता है सारे कॉलेजेस ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड की गाइडलाइनस के नाल तैयार कर लिया। सो तुसी देख सकते हो कि छोटे बच्चों के स्कूल अज की रेट च भी ब्रिटिश कोलंबिया च लग रहे हैं, कॉलेजेस भी लगने शुरू हो गए हैं बीसी विच, ओंटारियो विच भी स्कूल्स खुल गए सी, बट केसिस आने के कारण कुछ नवी थर्ड वेव उन्हों थर्ड वेव कह रहे हैं, वेयर एज इन इंडिया दिस इज सैकेंड वेव। सो स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहना वेयर एज इन इंडिया दिस इज सैकेंड वेव और कैनेडा में जी थर्ड वेव है ओंटारियो में आई है, सो उन्हों थर्ड वेव कह रहे हैं, एंड आफ्टर दैट दे फील कि वी विल वैक्सीनेट एवरीबडी एंड देर विल बी नो अदर वेव्स बिकॉज आई फील कोविड विल बी पार्ट ऑफ आर लाइफ फॉर लॉन्ग फॉर अनदर 10 years एंड वी हैव टू लिव विद दिस। सो स्टूडेंट्स अपना जो प्रोसैस है अपना नहीं रोकना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इट इज़ नॉट मैटर ऑफ फैक्ट, बट असी जो कैनेडा पढ़न जाना चाहते हैं तो ये चीज़ सानू अपने जहन च बिठानी पैनी है। बिल्कुल जी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट गल्लां ने जसमीत जी ने सोच कीतियां ने, मैं लगता है इस तो वध करैक्ट इनफॉर्मेशन है जिहड़ी स्टूडेंट्स नू अज दे समें दे विच होर किसे प्लेटफॉर्म तो नहीं मिल सकती। सो जरूर इस इनफॉर्मेशन नू चंगी तरह नाल समझो, कोई कन्फ्यूजन है कलैरिटी चाहिए है तो 9413 9412 ते तुसी व्हाट्सएप करो और जरूर इहदा फायदा लो। बहुत बहुत धन्यवाद जसमीत जी। थैंक यू सो मच।